जहां चारों तरफ प्राकृतिक आपदा का तांडव मचा हुआ है, वहीं इस तबाही से छावनी का वृद्ध आश्रम भी अछूता नहीं रहा। बुजुर्गों का एकमात्र सहारा मेरा घर वृद्ध आश्रम भी अभी तक प्राकृतिक आपदा का कहर झेल रहा है। आलम यह है कि बुजुर्गों को इधर से उधर आधी रात को शिफ्ट किया जा रहा है और प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है। अभी तक प्रशासन ने वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की कोई सुध नहीं ली है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक वृद्ध आश्रम चलाया जा रहा है, इसका नाम मेरा घर है। मेरा घर नामक आशियारे में काफी बुजुर्गों को सहारा मिला है, लेकिन आसमानी आफत ने उनके आशियाने में भी तबाही मचा दी। आज भी वृद्ध आश्रम में लगभग 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है। मेरा घर संस्था के संचालक से बात करने पर उन्होंने बताया कि पहले दिन जब बरसात हुई तभी आश्रम में 2-2 फुट पानी हो गया था, जिसके बाद रविवार रात 2 बजे सभी बुजुर्गों को अंबाला छावनी के रैन बसेरा में शिफ्ट किया गया। सड़क ऊंची होने की वजह से वृद्धाश्रम में पानी अभी तक भरा है, जिसकी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं इस बारे में वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द आश्रम से पानी निकालने का काम करे। उनके पास केवल एक ही ठिकाना है और उन्हें अपने घर में ही अच्छा लगता है। कहाँ रहते थे आप? हम रेड क्रॉस अपना घर में रहते थे। सोमवार रात को हमारे यहाँ पानी घुस गया, जो कि रूम के अंदर चला गया। सोमवार को तो रूम में तकरीबन 2-2 फुट पानी चला गया। हमने जब साहब को बताया, साहब ट्रांडी लेके पहुंचे, 1 बजे वहां से निकाल के यहाँ लाया गया। कितने बुजुर्ग आए यहाँ पे? यहाँ पे 22 बुजुर्ग आए। कैसे लाया गया? ट्रॉली में लेके आए थे और ट्रॉली पानी में घुसी थी। उस वक्त 4-4 फुट पानी था वहाँ, और 4-4 फुट पानी में साफ ट्रॉली लेके गए और वहाँ से यहाँ रात को 1 बजे। अब आपको रेन बसेरे में शिफ्ट किया गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आ रहे हैं? डॉक्टर भी आ रहे हैं। खाना भी मिलता है और रहने के यही रहना चाहते हो, वहीं जाना चाहते हो? रहने के तो जाएंगे तो अपने घर में, जब वहाँ से पानी निकाल देंगे, रूम सफा करवा देंगे तो वापस चले जाएंगे। क्योंकि ये लोग तो उन लोगों के लिए है जो स्टेशन पे आते हैं, बस स्टैंड पे आते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो यही है कि हमारा घर जो है पानी निकलवाया जाए, घर साफ करवाया जाए, ताकि हम वहाँ चले। हेलो, मैं, मेरा नाम सुमनत है और मैं अपना घर से हूँ, और वहाँ पे हमारे कमरों में बाहर भी पानी आ गया। कमरों में गोटा गोटा पानी आ गया और बाहर हमारे मतलब लख लख तक पानी आ गया। और फिर हमें उसके बाद सोमवार को ये राज्य प्रशिक्षण केंद्र में लेकर आए रात को 1 बजे। उसके बाद फिर हम मंगलवार को फिर ये रेड क्रॉस ये शेरे में हमें शिफ्ट कर दिए और हम यहाँ पे मंगलवार से रह रहे हैं। और वहाँ से हमारा मतलब पानी निकलवाया जाए और हमें वहीं अच्छा लगता है और हमें वहीं शिफ्ट किया जाए। वहीं जाना चाहते हो? यहाँ पर सारी सुविधा नहीं मिल रही? नहीं, हम वहीं जाना चाहते हैं। मैं रेड क्रॉस से मनोज कुमार, कार्यक्रम अधिकारी। जब पहली बरसात आई, पहली रात को ही हमारे बुजुर्गों का फ़ोन आया कि धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, तो रात को मैं अपने वॉलंटियर्स के साथ वहाँ नगर निगम की ट्रॉली लेके इनको बचाया, क्योंकि वहाँ लगभग 3.5 से 4 फुट का पानी था और हमें अंदेशा था कि ये बढ़ रहा है ताकि हमारे बुजुर्गों को दिक्कत ना आए, तो हम इनको ट्रॉली में लेके सेफ जगह यहाँ अपना जो रैन बसेरा यहाँ लेके आ गया। कितने बुजुर्गों को शिफ्ट किया गया उस दिन? हमने यहाँ पे 28 लोगों को शिफ्ट किया। तो आज हफ्ता हो चला है इस बात को, तो क्या अभी तक वहाँ से पानी नहीं निकला? हाँ, मैं वो पानी नहीं निकला क्योंकि वो बिल्कुल लोअर लाइन है और जो हमारे कमरे हैं उनसे पानी निकल चुका है और जो ग्राउंड है ग्राउंड में अभी पानी है, तो हम अपने बुजुर्गों को अभी वहाँ नहीं लेके जाएंगे जब तक पानी नहीं। कब तक पानी निकलने की आशा? अभी पब्लिक हेल्थ को बोला है, वो पंप लगाएंगे और उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, ताकि वो जो पास में जो नाला है वो अभी पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल रही है इनको? मैम, एक प्रयास है इनको बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो, तो इनके रहने, तीनों टाइम का खाना, इनकी दवाइयाँ, डॉक्टर साहब चेक करने आते हैं, नई टी शर्ट्स, बिस्किट, पानी की बिस्लरी की बॉटल्स, नहाने के लिए एमरजेंसी में पानी टैंकर भी है,
और सारा कुछ है। एक अपना घर में एक परिवार भी रहता था पूरा, वो कहाँ शिफ्ट किया गया? वो उनको शिफ्ट किया है वहाँ, वो अपनी बच्ची यही लेके आए थे हम उनको, वो अपने लड़की से गौशाला में चले गया और लिखित में हमें दे दिया वहाँ रहना चाहते। तो अब वो गौशाला ही रहेंगे? नहीं, वो यही आएंगे वापिस अपने घर में जो पानी उतर जाएगा, क्योंकि वो उनका बेटा वही काम करता है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।